फाइनली हम तशरीफ ला चुके हैं शबनम के घर पे और देखिए हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ, एक हाथ में लग के हो गई है, एक हाथ में मैं खुद लगा रही हूँ, तो मैं ये वाली डिजाइन लगा रही हूँ। वो मैं आई थी हमारे अंकल के पास मेरा वो नाका बनाने के लिए और मुझे कुछ पसंद आया महत के अबू के लिए तो मैं वो भी ले रही थी। जबरदस्ती कैसे हंसते हंसो फातिमा तुम बाल्टी लेके क्या कर रहे गैलरी में? सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का। ये देखो महत पापा की प्यार से दुनिया में, तो इनको टोपी का ऐसा भूत सवार है कि टोपी निकलती नहीं है सर पे से। और मैं बना रही हूँ खाना, तो अभी मैंने यहाँ पे गोश्त चढ़ाई हूँ, आटा गूंथ के रख दी हूँ। और आज मेरे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, कौन आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। और काम भी हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, कुछ भी काम बाकी नहीं है। और अब मेरी आ रही है मेहंदी वाले, तो मैं अभी फटाक से उनसे एक हाथ में लगवा लेती हूँ, एक हाथ में बाद में लगाऊंगी खुद से। तो फटाफट मैं जो भी काम है और वो भी कर लेती हूँ। तो मुझे दोनों हाथ में बाहर से ही लगवाना था, बट वहाँ के अबू बोले नहीं, एक हाथ में तुम अपने हाथ से लगाओ क्योंकि तुम बहुत अच्छी डिज़ाइन लगाते हो। तो मैं बोली चलो ठीक है, तो एक हाथ में मैं खुद से लगाऊंगी, एक हाथ में बाहर से आ रहे एक दी वो लगाएंगे। और इसको नाटक चालू, अच्छा ये भी सो जाएगा तो फटाक से डिज़ाइन हो जाएगी। फिर मैं हाथ और धो के फिर अपना काम करने लग जाऊंगी क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, उन्होंने मुझे मेहंदी लगा के चले गए और महत पापा सो के उठ गए। अभी मैं इनको थोड़ा सा चीज दी हूँ खाने के लिए, थोड़ा सा सूख जाएगा फिर मैं भी खाना खा लूंगी। सो गाइस मेरा खाना ना बन चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी कोई आने वाला है मेरे घर, तो मैं आप लोगों को बता दूं। Oh my God! Hello everyone, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. Finally हम तशरीफ ला चुके हैं शबनम के घर पे और देखिए हमारे साथ में कौन है। फाइनली फाइनली भाभी मेरी बेटी मेरा बेटा। ओ माशाल्लाह, छोटा महत भी आ चुका है और इसको देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, मेरा बच्चा। हाय, मारेगा ये मेरे बेटे को तो मुझे ऐसा लग रहा है देख के। महत सबको मारता है और अब महत को मारने वाला को देखता है। मेरे भी पैर में आई थी अभी पीछे। चलो भाभी कैसा लगा मेरे से मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, पहली बार आई, पहली बार मेरे घर पे आए। मैं थक गई थी इसको बोल बोल के, अगर इस बार नहीं आता ना इसको मैं ब्लॉक कर देती, इन दोनों से मैं बातचीत बंद कर देती। पर खैर इस बार आई गया, बोला आया तो आया, पता है कैसे टाइम पे आया मैं गाइस। आप लोग बहुत क्या बुगा गया है बर्थडे, माशाल्लाह उसको मालूम ही नहीं, फिर से बुग्गा फुलवाएगी मेरे। इसलिए तो डेकोरेशन का सामान लेके आई, उन्हें नहीं करने वाली थी डेकोरेशन, पर मेरी जब मेरा भाई मेरे साथ आने वाला है भाई डेकोरेशन कर देंगे तो कर देते थोड़ा बहुत। तो चलो अभी सबसे पहले खाना, सबनम के घर को खराब किया जाएगा, अब कलर मारने वाले ना, इससे पहले खराब करके हटा देंगे। तो मैं चश्मे में कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करना, एक नंबर दिख रहा है। तो चलो गाइस अभी लोग जस्ट अभी आए हैं, मैं भी खाना नहीं खाई थी, इन लोग भी रुकी थी, चलो फटाफट पहले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और ये देखो आते साथ मेरे बच्चे को मार रहा है। अब बताओ इसके दोनों नमूने इधर है, क्या करूँ मैं? तो छोटू ने इतनी मस्त, इतना प्यारा है यार, ये तोड़ दिया इसको पूरा, तोड़ दिया पूरा। तो छोटू ने इतनी मस्त मिठाई लेके आया है, थैंक यू सो मच भाई, ये पसंद था ना तेरे? ये बहुत पसंद है मेरे को, बहुत मस्त लगती है। और इसको देखो ये जा रहा ही नहीं उन लोगों के पास, अभी ना किसी के पास नहीं जाता छोटू, बाजी सोलिया सब लेने की कोशिश करते हैं, देख ऐसे ही करते हैं, देख उल्टा छोटा था ना तो बहुत अच्छा था। ये फातिमा अभी मेरा बच्चा खेल रहा है, दादा फातिमा खेल रही है मेरी हीरोइन। तो गाइस छोटू ने इतनी अच्छी मिठाई लाया, मैंने खाई, मेरा दिल खुश हो गया, बहुत मस्त लगा। और महत के अब्बू भी आएंगे तो वो भी खाएंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे मेन बात अंजीर वाली है, और अंजीर तो उनकी जान है भैया, अंजीर बहुत पसंद है उनको। तो हमने फोन भी करे थे उनको कि आओ, तो बोले हाँ आता हूँ देखता हूँ शाम में जल्दी आऊंगा, तो मुश्किल ही उनका शाम में जल्दी आना। तो देखो कल मैंने फेशियल करी थी, फेशियल का ग्लो कितना अच्छा आया है, तो देखिए छोटू मेरा फेस चमक रहा है कि नहीं? अरे एकदम मस्त चमक रहा। तो मेरी मेहंदी वाली भी आई थी ना, तो ऊपर चढ़ते साथ ही गिर जाए तो मेरी मेहंदी वाली आए थे ना, उन्होंने बोले शबनम उसको देख कितनी हंसी आ रही, किसी के पास नहीं खेलता मेरे पास जरूर खेल रहा है, अरे माशाल्लाह बच्चा। तो उन्होंने भी पूछे तुमने कुछ करे क्या फेस पे, मैं बोली हाँ फेशियल करी, बोले हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है फेस माशाल्लाह। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए खुद से,
ये वाला हाथ में भी लगा के हड़े आती हूँ, शाम में काम हम रहेगा तो इस वजह से अभी लगा के। सो गाइस अब मैं देखो अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ, एक हाथ में लगी लग के हो गई है, एक हाथ में मैं खुद लगा रही हूँ, तो मैं ये वाली डिजाइन लगा रही हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने अपने आप को ये वाली डिज़ाइन लगा ही ली, क्योंकि ये डिज़ाइन मैं कब से लगाने का सोच रही थी तो लगा दी। अब पीछे लगाने जा रही हूँ, स्लो स्लो लगा रही थी क्योंकि बच्चे भी हैं, बार बार महाद रो रहा ये वो, तो इस वजह से मैं देखो बाल्टी से खेल रही है। और यहाँ पे फाइनली मेहंदी लग चुकी है बच्चे लोग के लिए। देखो मेरा भाई कितनी सारी चीज़ लेके आया, अरे वाह माशाल्लाह, सब लेकर आया, देखो कितनी सारी चीज़ लेके आया मेरा भाई ने, जाओ खेलो। तो ये आगे की पूरी सूख चुकी है और अब यहाँ पे भी ये भी लग गई है, मैंने यहाँ पे नाम लिखी हूँ। अब महात के अब्बू से पूछी अजी उर्दू में कैसा लिखते, तो उन्होंने लिख के भेजे तो मैंने लिखी, अब इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। सो गाइस मेरा ये पार्सल आया था, आप लोग बोलेंगे कितना पार्सल आता है, तो हाँ बहुत आता है, क्या करूँ अभी आता है तो। और हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने लेकर आया, हाँ ये जो भाई पार्सल आते ना हमारे सब्सक्राइबर है, तो मैंने एकदम खुश हो गए भाई। हाँ तो मैंने ये टिकली मंगाई हूँ, ये कल मेरे बाल में डेकोरेशन बोल रही, कल में देख छोटू रख दिया, वो फोड़ना मत, तो दिखाओ। अच्छा तो ये हेयर स्टाइल, कल इसका मैं हेयर स्टाइल करूंगी अपने बाल में, तो आप लोगों को दिखाऊंगी, हाँ मुंह पे लगाऊंगी। तो मुझे ये 120 रुपए की पड़ी ना, मार्केट में आते ना 50-50 रुपए की मिलती थी, मेरे को मालूम नहीं तू आने वाला है ना, मैं तो तेरे से मंगा लेती हूँ, चल कोई नहीं। चलो तो ये पार्सल आया है मेरा, नहीं अच्छा चलो। और फाइनली मेहंदी लग चुकी है एकदम मस्त, थोड़ा फोड़ूंगा मैं, कितना सारा ले लिया इसने, मजा आती है, मेरे पहले भी सामान आया था छुपा के रखी, अभी भी छुपेला है, तो तेरे पास इतना सारा है ना, पूरा देना मेरे को, चल अच्छा लगता है। ये कोई कोई सामान में आता है, हर सामान में नहीं आता है, मेकअप के सामान में ज्यादा आता है, गाइस इस वजह से ज्यादा आता है क्योंकि वो नाजुक चीज रहती है ना लड़कियों के लिए, इसीलिए उसको थोड़ा संभालना पड़ता है। तो यहाँ चाय नाश्ता हो गया। क्या सबनम ने चाय नहीं पी, क्यों नहीं पी होती, नहीं मैं नहीं पीती भाई, नहीं बहुत पीती। कम अच्छा मैं स्पेशल तेरे लिए बनवाया था, कभी कभी दिल में आया तो सोलिया के हाथ से स्पेशल तेरे लिए बनवाया था, नहीं रे भाई। तो देखो अपनी हाथ की जरा चाय पीएगी, सूख जाएगी आखिरी लड़की भाभी, जिंदा नहीं रहती भाभी, कुछ भी बोलता है अभी मेरे मुंह से सुन लेगा, मैं कंट्रोल कर रही हूँ फिर, है ना फातिमा मेरी बेटी। तो गाइस बस यही दिन बाकी देखना था मुझे, क्या मैं अब अपनी बहन को मेहंदी लगाने जा रहा हूँ, नहीं सिर्फ ये टोपन बोल रही हूँ, भर मैं लगाऊंगी, तो देखो उसमें भी नहीं आता है, दबा के जोर से दबा, हाँ हाँ यहाँ पे भी पूरे में, हाँ ये डिजाइन पे नहीं, सिर्फ उतना जहाँ खाली जगह है, हाँ बस ये हुई ना, आया मेरे भाई को भी आता है, बस अब इसको मैं पूरा लगा दूंगी, तो ये भी इजाजत चाहते हैं गाइस, देखो कितनी बात करती है फातिमा, ए फातिमा झूठी हंसी हंस दो, जबरदस्ती कैसे हंसते हंसो। फातिमा तुम बाल्टी लेके क्या कर रहे गैलरी में, मेहंदी कैसी लग रही है, हाँ पापा कैसी लग रही है मेहंदी, बुआ की मेहंदी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बोलो मेरे को भी डालो ना मेहंदी, तुमको भी डालू, हाँ फातिमा हाथ में मेहंदी कैसे लगाते बता दो, और फातिमा भी लगाएंगी, लगाई ना लगाई, कहाँ लगाई बुड्ढी। तो महत पापा रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने फ्रेश कर दी, मुँह हाथ धुला के पूरे कपड़े चेंज, क्या हो बेटा, तो इसको मैंने काजल नहीं लगा रही हूँ, हाँ आप लोग ने सही गैस करें, महत की आंखों में काजल नहीं है दो तीन दिन से, क्योंकि महत पापा की आंखों में वो प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से, और फातिमा को देखो यहाँ पे कैसे हीरोइन बनी है, चल तुझे भी तैयार करूँ, अरे नहीं बोलती,
डायरेक्ट नहीं, अच्छा नहीं लगता कुछ। फातिमा तो महद के अबू काम पे से आ गए, उन्होंने ये लेके आए। मस्त ना छोटू? हाँ एक नंबर का है। मस्त ना? तो ये मेरे देवर ने मेरे लिए भेजा है। अरबाज ने? उसने तुमको शायद बोला था ना, कल बोले थे उन्होंने मुझे, मैं भी जाता हूँ। हाँ तो ये मेरे देवर ने मेरे लिए भेजे, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हम जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए। तो कौन सा केक बनाना है, क्या बनाना है वो देखने का, और चूड़ा वेफर भी लेने का है। और मेरा वो जो नाक का टीक टूट गया था तो मैं वो भी बना लेती हूँ जाके सबसे पहले। तो चले चलते हैं, चलो। तो मैं आई थी हमारे अंकल के पास मेरा वो नाक का बनाने के लिए, और मुझे कुछ पसंद आया महक के अबू के लिए, तो मैं वो भी ले रही थी। अब साथ में आ गए तब ले ही लेती हूँ, ये बार तो मेरा कुछ सरप्राइज ही नहीं रहा। तो चलो खैर कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों से नहीं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों से, है ना? नहीं दिलाया अभी। वो एक ही सेट है, अंकल बोल रहे मेरे को दिला दो, महक के अबू को दिला दो, रमजान आ रहा है। यार मस्त लग रहा है, इधर मिले, ये तो मैंने एक को मंगाया था, एक तो वो बोल रहे कि मेरे को दिला दो तुम। सो गाइस मैंने ले ली मुझे जो चाहिए था महत के अबू के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मैंने दोनों चीज उन्हीं की पसंद से ली हूँ, क्योंकि कैसा होता है ना बाद में ना कभी छोटा बड़ा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से मैं उनको बता के ली। बट आप लोगों ने बताइए, आप लोगों को बर्थडे के दिन मानना पड़ेगा मैंने क्या दी। और दोनों चीज़ उनको बहुत पसंद आई, दोनों उनकी पसंद की है। और तो चले देखते हैं फिर बर्थडे के दिन, आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने क्या दी हूँ। दोनों मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा? अरे एक नंबर। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सामान और लेने के लिए, मेरे दिल की कोई चीज़ तुमने ले ली। हाँ तो अभी जाते हैं वो लेने का मुझे वेफर, तो फटाक से वो ले लेते हैं पहले, फिर जाएंगे घर खाना वाना खाएंगे। तो मामा के अबू यहाँ से दूध ले रहे हैं और मामा और मैं यहाँ खेल रहे हैं। मैं लाल का बेटा, ये मेरी जिंदगी है। तो हम आए थे चूड़ा लेने के लिए, दूधी ले लिए और बाकी और सामान भी ले लिए, पैसे वाला आदमी है भाई। तो देखो बर्थडे बॉय को अब भी घर में आए हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको बहुत सारा दुआएं, बहुत सारी विशेष, बहुत सारा प्यार, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आमीन। आपकी लंबी उम्र दे, हर साल मेरे साथ निकाले, आमीन। तो जितने भी लोग मेरे को विश करेंगे तो उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का शुक्रिया। सबसे पहले मेरी मोहतरमा बेगम साहिबा का शुक्रिया, वेलकम, जो मेरी ज़िंदगी में आए और इतनी हसीन बनाए, तो थैंक यू सो मच शबनम। सेम टू यू। आप सभी का भी थैंक यू सो मच, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ढेर सारी दुआएँ दें और अच्छी अच्छी विशेस करें। तो चलो पहले खाना खाइए। मैं बाहर कटा लिया, अरे लड़के ने बाल ही नहीं कटाया, अल्लाह मैंने इतना खुशी से इसको भेजी पर ये बाल नहीं कटाया। और मैं इनके इंतज़ार में थी कि मतलब आएंगे, मैं इनसे बोली आते आते कुछ लेके आओ, मैं आते आते भूल गई चॉकलेट्स लेना, तो पर मैं कुछ ना कुछ दूंगी इनको, पहले खाना खाऊँ, पहले बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो पहले खाना खाएंगे फिर मैं आपको कुछ मीठा खिलाऊंगी, इसकी तबीयत नहीं सही है, पता नहीं उसको क्या हुआ। बार उसने भी चुमटा लगा दिया पहले, मैं बोला अरे भाई इतने से बाल झड़ जाएंगे चुमटे की वजह से। चलो सो गाइस हमारा खाना वगैरह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और महद बाबू क्या खेल रहे थे, तो सुधरेंगे अल्लाह ही बताएगा, जब तुम सुधरेंगे तब हम सुधरेंगे, हम सुधरे तो हम कब बिगड़े थे, अभी आज ही मत सुनो मेरे मुँह से, रोज तो सुनते ही बोला आज बस आज मैं बस सुधर सा यार, कितना परेशान करता है आज, सोचता हूँ कैसे सुधरूँ, मैं सुधर जाऊंगा तो दुनिया बदमाश हो जाएगी, इसके लिए मैं नहीं सुधर। ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह ब्लेस, थैंक यू सो मच। छोड़ो नहीं जाए पहले तो ये आगे सुझी सुझी लग रही ना, पिंक केक मस्त लग रहा है ना, अब
का फेवरेट है वहाँ, देखती घर पहचानते ही नहीं। किशमिश, अंजीर, अंजीर, अंजीर। पहले तो बेइज्जती करा दी है और अब बोल। तुमने इतना सा टुकड़ा दिया तो मैंने चबाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, टेस्ट ही नहीं लिया, जबान से गैस करके मैंने बता दिया कि किशमिश है। कैसा लगा? तो बहुत मस्त। डेयरी मिल्क नहीं थी तो हमने, अब वैसे भी हम लोग डेयरी मिल्क लाना बंद कर दिए क्योंकि इसराइल प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम हो गया बंद हो गया, सीधा बायकॉट ही कर दिया डायरेक्ट। बट देखो तुम्हारी मेहंदी का रंग इस बात का गवाह है कि तुम्हारा महबूब जान भी देता है और जहान भी देता है। केमिकल, केमिकल गद्दारी कर बे। और मैं, इन्होंने मुझे नाम थोड़ा सा गलत लिख के भेजे, थोड़ा सा मेरे से नाम हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया, पर ये बार मैं मतलब बहुत टाइम के बाद इतनी इतनी भड़के लग रही हूँ यहाँ से। बर्थडे इनका मेहंदी में, इन्होंने मुझे बोली मेहंदी लगा, मैंने लगा दी। तो मैं ही बोलूंगा ना, कोई बाहर वाला थोड़ी बोलेगा मेहंदी लगा जब ना। इन्होंने तो मुझे रमजान की भी मेहंदी भेज चुके थे, मतलब रमजान में कौन सी लगाने का, अभी चांदना आने वाला है ना, उसके लिए भी डिजाइन भेजे। मैं बहुत अलग भी थी आज, पता नहीं अपने आप को। आज एक बार क्लिक कम किया तुमने ये नहीं आज तो लग रहा है, अल्लाह मैं दुबली दिख रही यार। कुछ भी देख रही, क्या हो गया तुमको? अच्छा गाइस आप लोग मुझे बता रहे मैं दुबली दिख रही हूँ कि नहीं? मैं ज्यादा टेंशन दे रहा हूँ। हाँ यार गाल ऊपर नहीं आ रहे पहले, चढ़ाओ थोड़ा। बाय, जीना जीना इसी का नाम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस चलिए फिर, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत थक गई, सुबह 7 बजे से उठ गई लड़की मैं। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे रहना गाइस, और ढेर सारी दुआएं देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अल्लाह हाफिज। Thank you.